हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 25 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया है SBTE बिहार के द्वारा। जिनका कैरी पेपर था, बैकलॉग था, उनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल सिंबल अलाउड इन ए वेरिएबल नेम। कौन सा स्पेशल सिंबल जो है अलाउ किया जाता है वेरिएबल नेम में? तो अंडर स्कोर को अलाउ किया जाता है, अंडर स्कोर। ऑप्शन 1 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन वी यूज द केस कंट्रोल स्ट्रक्चर टू चूज वन फ्रॉम मल्टीपल अल्टरनेटिव्स, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू प्रिंट ए फ्लोट वैल्यू विच फॉर्मेट स्पेसिफायर कैन बी यूज। फ्लोट के लिए किसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हेडर फाइल इज डिजाइन फॉर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? math.h। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन निबल इक्वल टू, एक निबल कितना होता है? वन निबल इक्वल टू क्या होता है? 4 bits। और वन बाइट इक्वल टू क्या होता है? वन बाइट इक्वल टू टू निबल बोलिए, टू निबल या फिर 8 bits बोलिए। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट परफॉर्म ए पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का बी हो जाएगा, प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल्स बाई डिफॉल्ट फॉर सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के लिए एक्सटेंशन फाइल कौन सा है? .c यूज करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है, ASCII स्टैंड फॉर, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 8 का, 8 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कीवर्ड एल्ज कैन बी यूज विथ, तो इफ एल्ज क्या नहीं होता है? इफ के साथ एल्ज यूज होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज ए प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। कौन सा प्रोसेस है? रिकर्सन है। रिकर्सन इज ए प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्ट्रक्चर कंबाइंस वेरिएबल ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन सी। सी में कितना कीवर्ड होता है? तो 32 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैलिंड्रोम नंबर। कौन सा पैलिंड्रोम नंबर है? 1221। देखिए लेफ्ट से देखिए या फिर राइट से देखिए, दोनों सेम दिखेगा, तो ऐसे नंबर को पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइज ऑफ ऑपरेट इज यूज टू कैलकुलेट साइज ऑफ एनी डेटा टाइप। ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट इक्वल टू। क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट इक्वल टू। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये जो मैट्रिक्स है ये किस तरह का है? तो टू डायमेंशनल एरे है। किस तरह का एरे है? तो टू डायमेंशनल एरे है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय। सी लैंग्वेज किसके द्वारा किया गया था? तो डेनिस रिची और केन थॉम्सन के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए वेरिएबल विच होल्ड्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल इज नोन एज। कह रहा ऐसा वेरिएबल जो क्या करता है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको पॉइंटर बोला जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, स्कैनफ फंक्शन इज डिफाइंड इन विच हेडर फाइल? स्टूडियो डॉट एच, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 19 का? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द एक्सप्रेशन एक्स इज इक्वल टू 4 + 2 मॉडुलस -8 इवेलुएट, तो क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू है 4 + 2 मॉडुलस -8। तो देखिए 2 मॉडुलस -8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पे 4 प्लस और इसका वैल्यू कितना गया 2, तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6 हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 20 का बी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रुप बी का है, जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है, डिफाइन द बेसिक कंप्यूटेशन मॉडल्स विथ सुटेबल एग्जांपल्स। इसी का और क्वेश्चन है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए सी प्रोग्राम टू स्वैप नंबर्स यूजिंग टेम्पोररी वेरिएबल। इसी का और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द रिलेशनल ऑपरेटर विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन द स्विच स्टेटमेंट विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। इसी का और क्वेश्चन है, डिफाइन इफ स्टेटमेंट एंड इफ एज स्टेटमेंट विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए प्रोग्राम टू कंप्यूट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर। इसी का और क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 स्टूडेंट्स नेम एंड प्रिंट देम। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि 6 मार्क्स में पूछा जाता है, व्हाट इज रिकर्सन, राइट एन एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम। इसी का और क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 इंटीजर नंबर्स इन एन एरे एंड प्रिंट आउट ओनली दोज विच आर प्राइम। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर, व्हाट आर द यूजेज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं और स्ट्रक्चर का क्या यूज होता है। इसी का और क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए स्क्वायर ऑफ साइज 5 बाय यूजिंग द कैरेक्टर एस एस शोन इन फिगर। इसके लिए प्रोग्राम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज लूप, डिफाइन फॉर लूप विथ सिंटैक्स एंड एग्जांपल्स। इसी का और क्वेश्चन है, कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग डू व्हाइल लूप। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट ए प्रोग्राम टू इवैल्यूएट द सीरीज सच एज 1 + 2 + 3 + ……i वेयर आई कैन बी ए फाइनाइट वैल्यू, इट्स वैल्यू शुड बी रीड थ्रू द कीबोर्ड। इसी का और क्वेश्चन है, डिफाइन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड यूज इन एन लैंग्वेज विद सुइटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज एन एरे, हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज टू डायमेंशनल एरे। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट इज टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन्स आर यूज इन सी लैंग्वेज। तो ये आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर है, जो एग्जाम जो है 25 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया है प्रोग्राम सी लैंग्वेज का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी का ये क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।